बकाया भुगतान न मिलने पर जलकल विभाग के सभी ठेकेदारों ने गुरुवार को चौथे दिन भी कार्य बहिष्कार करने का निर्णय जारी रखा। ठेकेदारों ने कहा कि भुगतान न होने की स्थिति में सभी ठेकेदारों का परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है। आपातकालीन ठेकेदारों का विभाग के ऊपर करोड़ों रुपए का बकाया है जिसका भुगतान नहीं हो रहा है। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक किसी भी कार्य को कराया नहीं जाएगा। इस मामले में महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि जलकल विभाग के ठेकेदारों द्वारा कार्य बहिष्कार की जानकारी हुई है, जिला अधिकारी से बात हो गई है, जल्द ही चरणबद्ध तरीके से उनके भुगतान कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर राम सिंह यादव, विजय यादव, प्रदीप यादव, सुभाष, अन्य ठेकेदार उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जलकल विभाग के ठेकेदार और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, हम लोग का भुगतान की वजह से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को भुगतान हो जाए, फिर कार के अपना कार करा लिया जाएगा। बस कहाँ पे कर रहे हैं? जलकल में हम लोग ठेकेदारी करते हैं। कितने दिनों से आप लोग का हड़ताल चल रहा है? सर 10 तारीख से हम लोग का हड़ताल चल रहा है। इसी स्थिति में क्या है सर के थे? अभी तो कोई हमारे अधिकारी लोग को निर्णय नहीं किए हैं, इसीलिए हम लोग अपनी मांग की कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या है? अभी इसकी आगे की रणनीति जब तक नहीं हुआ तब तक हम लोग अपने कार का बहिष्कार करेंगे। अरविंद कुमार श्रीवास्तव। अरविंद जी, आप लोग ठेके पे कहाँ पे काम करते हैं? जलकल विभाग में काम करते हैं। तो क्या स्थिति है अभी आप लोगों की? अभी तो स्थिति ये है कि हम लोग ने कटोरी भर के तो काम किया गया, और जब पेमेंट की बात आई तो कटोरी खाली है। जब तक हम लोग का भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग काम पे नहीं आ पाएंगे। अभी कोई आश्वासन वगैरह? अभी कोई आश्वासन हम लोग को नहीं मिल पाया। आगे की क्या रणनीति है? रणनीति जब तक भुगतान है तब तक हड़ताल हम लोग का जारी रहेगा। इमरजेंसी वर्क जैसे हैंडपम्प मरम्मत हुआ, लीकेज हुआ, सीवर चैम्बर मरम्मत हुआ, इस सब इमरजेंसी वर्क है। रात को भी 12 बजे हम लोग को लगता है पाइप फूट गया कहीं से, तो रात को 12 बजे भी हम लोग काम करते हैं। इस समय बिजली विभाग का अंडरग्राउंड केबल बिछा रहा है जिसकी वजह से कई सड़कों पे जो है जगह पानी लीकेज कर रहा है, पाइप तो सभी मरम्मत आप ही लोग द्वारा किया जाता है। ठेकेदार हैं जो आपातकालीन स्थिति में अपना कार्य करते हैं, वो 4 दिन से आज कार्य बहिष्कार किए हुए, उनकी मांग है कि उनका भुगतान नहीं है। ये बात मेरे संज्ञान में आई है और हमने DM साहब से बात करके उन्होंने कहा है कि उनको चरणबद्ध तरीके से तत्काल भुगतान की व्यवस्था की जाए जिससे कि जनता का काम प्रभावित न हो। इसके लिए DM साहब ने सहमति की है और जल्द ही उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा, उनको भुगतान किया जाएगा।